मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। घटनाक्रम पर माफी मांग ली है और उन्होंने खुद ने माना कि यदि केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, सीएलपी मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं नहीं बुला पाया, इसमें मैं फेल रहा, तो इसके लिए मैं वफादार से मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद कुछ बाकी रह नहीं जाता। एक परिवार है कांग्रेस और उस परिवार में डिसीजन जो भी होगा वो देश हित में होगा, क्योंकि कांग्रेस का इस वक्त मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आज सोनिया गांधी जी इस देश की कांग्रेस को समझती है कि इस वक्त लोग गरीबी से, भूख से, महंगाई से मर रहे हैं, राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं, देश कांग्रेस को लड़ते हुए यूनाइट रूप में देखना चाहता है। लेकिन माफी मांगना मुख्यमंत्री के कद को बड़ा बनाता है कार्यकर्ता की नजरों में या एक नो डाउट ऐसे मुख्यमंत्री जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जिन्होंने माफी मांगी, ये उनका बड़प्पन है माफी मांगने का, और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उन्होंने जो लॉयल्टी साथ दिखाई है उससे इस पार्टी में डिसिप्लिन भी है। बड़े से बड़े नेता भी जब गलती करते हैं उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि सीएलपी लीडर के नाते वो मीटिंग नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने सारी घटना के लिए खुद ने माफी मांगी। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई किंतु परंतु बचा नहीं, जब वो अध्यक्ष पद के रेस में नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या वही रहे? कि ये बात उन्होंने खुद ने क्लियर की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं फार्म नहीं भरूंगा और मुख्यमंत्री का फैसला हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करेगी। अब क्या है फैसला, तो मुख्यमंत्री वो है नहीं, अब वो जो उन्होंने जो कहा वो बयान, उस बयान के विपरीत मैं नहीं बोल सकता, विधायक दल के नेता है। बयान तो है लेकिन बयान के साथ 102 एमएलए उनके साथ यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये जब वो आ जाएंगे तब सारी स्थिति क्लियर होगी पोजीशन। आगे कुछ आपको लगता है अभी कुछ और मामले बचे पड़े हैं? क्या मामले बचे पड़े हैं आप बताएंगे? देखिए राजनीति एक बात मानकर चलना, आपसी विश्वास यूनिटी से चलती है। कांग्रेस एक ताकत है राजस्थान में, पूरे देश में, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 10 साल तक देश में शासन किया यूपीए चेयरपर्सन के रूप में, वो खुद समझती है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। कद्दावर अगर गांधी मान रहे थे अशोक गहलोत साहब को कि अध्यक्ष तक बनाने जा रहे थे, अब जब इनको अध्यक्ष पद के रेस से इन्होंने खुद मना किया, तो क्या माना जाए कि अशोक गहलोत को राजस्थान में छोड़कर पार्टी को आने वाले चुनाव में अच्छी स्थिति से लड़ने के लायक खड़ा करना चाहती है कांग्रेस अध्यक्ष? हो सकता है, कुछ भी ऐसा डिसीजन भी हो सकता है, वो कांग्रेस अध्यक्ष को तय करना, वो हमें तय नहीं करना। दिग्विजय सिंह साहब के बारे में कहिए। दिग्विजय सिंह जी का अच्छे लीडर है, मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे लीडर है। अध्यक्ष भी तो बन सकते हैं, वो तो रेस बिल्कुल बनेंगे, हम बधाई देंगे उनको बहुत जबरदस्त ढंग से। रेस में नंबर वन पर रह गए तो बधाई पूरी राजस्थान के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से, हम विधायकों की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से, हम तो रोड मास्टर कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता, हमारी तरफ से बधाई।